हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको बताया कि हम अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड बुक द्वारा यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित वीडियो परीक्षा के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का जीके का सेक्शन है। कल मैंने प्रैक्टिस सेट 1 का हिंदी करा दिया था रात 8 बजे। दोस्तों, टाइम अगर आपको ना पता हो तो मैं टाइम बता दे रहा हूँ आपको। सुबह 11 बजे लाइव जीके का प्रैक्टिस सेट होता है और रात 8 बजे लाइव हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है। आप लोग समय से आ जाए कीजिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताने की वीडियो कैसी लगी दोस्तों। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने दिख रहा है। सही उत्तर का चयन करके 5 सेकंड के अंदर आप लोग उत्तर देते जाइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 101 है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का उत्तर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 101 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, रालेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 102, रालेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, आंसर करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 102 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है, सही उत्तर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 103 का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मीथेन गैस को रॉस गैस के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 है हमारा, तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंग दैर्ध्य में डैश क्या हो जाता है, परिवर्तन। 104 का सही उत्तर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 104 का जो सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही है, कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। चार ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, सही उत्तर बताइए आप लोग 105 का। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 105 का जो सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है। आई होप दोस्तों इस बुक के क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के आए हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा होगा ये क्वेश्चन सारे। क्वेश्चन नंबर 106 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। चार ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें से एक ऐसा है जो तर्कसंगत है, मतलब तीन चार ऑप्शन जो है उसमें से तीन एक समान है, एक ऐसा है जो असंगत है। 107 का सही उत्तर दीजिए आप लोग। 107 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 108 बताइए, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 108 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी सही है, दो उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 109 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा इसका, 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा कीट दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाता है। 110 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 110 का जो सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से कौन सी मछली ऊपर चढ़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 111 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये कोई मछली
एक प्रकार की मछली होती है, इसका नाम है कोई। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, वर्ष 2014 के आम चुनाव में डायस लोकसभा के चुनाव कराए गए थे। 2014 में आम चुनाव, कौन से नंबर की चुनाव हुई थी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का जो सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 का सही उत्तर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 113 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सही है, नरसिंह देव प्रथम को कोणार्क मंदिर का निर्माता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 114 का उत्तर दीजिए, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 114 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, मृणालिनी साराभाई वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 115 का उत्तर दीजिए आप लोग। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली हमारी लाइव क्लासेस होती हैं प्रैक्टिस सेट की। 115 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है, 116 का उत्तर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 116 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है, 117 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर प्रोटोजोआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118, गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण पद मद कौन सा है। गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है, 118 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्याज भुगतान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। उत्तर दीजिए आप लोग, 119 का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 119 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, केश का क्रिया पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 120 नंबर का सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग, देखते कितने लोगों को पता है इस बारे में। क्वेश्चन नंबर 120 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 है, 802.11 से किस प्रकार के नेटवर्क का संबंध है। बताइए 121 का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 121 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वायरलेस नेटवर्क से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, फायरवॉल का काम है। 122 का बताइए सही उत्तर। 122 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम को हैकरों से बचाना है काम उसका, फायरवॉल का। चलिए ऑप्शन बी सही है इसका, 122 का। आगे बढ़ते हैं, 123 नंबर क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में ई निम्नलिखित में से किसके लिए आता है। एक सौ तेईस का जो सही उत्तर है दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा है। 124 का उत्तर दीजिए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 124 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सही है, माइक्रो प्रोसेसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 है, कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 125 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 125 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, सामाजिक संस्था का अर्थ है, बताइए 126 का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 126 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी सही है, कार्य करने का निश्चित ढंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127, आई होप दोस्तों आपको प्रैक्टिस आपकी अच्छी से हो रही होगी। 127 नंबर क्वेश्चन है, सही कथन का चुनाव करें, ठीक है, चार कथन हैं, इसको पढ़िए और जो सही कथन हो उसका चुनाव करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 127 का उत्तर बताइए आप लोग। 127 का जो सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, उत्तर प्रदेश में 2017 में बने भारत के सबसे लंबे साइकिल ट्रैक हाईवे की कुल लंबाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 128 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 128 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 207 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्न में से किसने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। 129 का सही उत्तर दीजिए, सबको पता होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 129 का जो सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। 130 का उत्तर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 130 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में स्थित है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, 131 का उत्तर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 131 का जो सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, कौसंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए, ठीक है। देखिए जूम आउट कर दे रहा हूँ उसको, आप आंसर भी देखिए और ऑप्शन दिख रहे हैं आपको सामने। चलिए इसको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 132 का सही उत्तर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। यानी जो आपका बिरहा होता है ये होता है आपका भोजपुर, ये सही है, ठीक है। जो दूसरा है बी का ऑप्शन भी बी सही है, केवल यहाँ पर चौथे का नहीं, तीसरे का नहीं मैच है, ठीक है। ये जो तीसरा है मल्हार, ये होता है कौरवी में और रसिया होता है ब्रजी में, ठीक है, ब्रजी में, ये बाकी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, 133, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। 133 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 133 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, वह तरंग जो निर्वात से संचारित नहीं की जा सकती कौन सी है। 134 का उत्तर दीजिए आप लोग। वह तरंग जो निर्वात से संचारित नहीं की जा सकती है कौन सी है, तो इसका जो सही उत्तर होगा 134 का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, किसी संगठन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें जनता यंत्र सामग्री तथा जाल क्रम साधनों का उपयोग सूचना के संग्रहण रूपांतरण तथा प्रकरणन के लिए किया जाता है। 135 का उत्तर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 135 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सूचना प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136,
इनमें से आंकड़ा कोष के बारे में क्या सही है? देखिए सही उत्तर का चयन कीजिए। 136 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 136 का जो सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बी तथा सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यहाँ पर? बी का 137 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रामदेव। ये आपका गलत है, सुमेलित सही नहीं है 137 का। ठीक है, रामदेव, रामदेवरा, तो जी ये गलत है, यह युग्म सही सुमेलित नहीं है। रामदेव का पशु मेला नागौर राजस्थान में आयोजित होता है, ना कि रामदेवरा में। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 138 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? 138 का उत्तर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 138 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 138 का सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। 138 का जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए सही होगा। ठीक है, भारत का अटर्नी जनरल। ठीक है, 138 का ऑप्शन ए सही है, भारत का अटर्नी जनरल संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 139 का उत्तर दीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 139 का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। राष्ट्रीय ध्वज की धर्म चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 140 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 24 तीलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है? 141 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 141 का जो सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बी, जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना। 141 का सही उत्तर बी है। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी 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 है? ठीक है, 142 का उत्तर दीजिए। आंखों को ध्वनि के को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। 142 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? 143 का उत्तर दीजिए। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है बताना है। क्वेश्चन नंबर 143 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चावल का। देखिए 143, भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, 143 का सही उत्तर जो होगा ये सी होगा, सही, चावल का नहीं है। ठीक है, अभ्रक 143 का सी ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है? 144 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 144 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 144 का जो सही उत्तर हो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट हवा को रोकता है जिससे बारिश होती है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिम तट पर ज़्यादा वर्षा इसलिए होती है क्योंकि पश्चिमी घाट हवा को रोकता है जिससे बारिश होती है। यहाँ पर यही आपका कंक्लूजन निकलेगा 144 का। नेक्स्ट 145 नंबर क्वेश्चन है। विश्व में सबसे सेब का सबसे बड़ा उत्पादक है? विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है ये आपको बताना है। 145 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 145 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। ठीक है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? 146 का उत्तर देखिए, ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका था लेकिन इसमें दूसरा था, इसमें पूछ लिया था कि मतलब जिस भाषा में अच्छी भूमिका निभाई है उसको दे देता, ऑप्शन दे देता कि कौन थे वो। तो यहाँ पर पूछ लिया अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है, तो 146 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, खड़ी बोली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। 147 का उत्तर दीजिए, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है आपको बताना है। 147 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, सितार मिश्रण है। 148 का सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन में, 148 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सही है, गुड़िया तथा तंबूरे का मिश्रण है सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149, निम्न में से कौन वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष है। 149 का उत्तर दीजिए, कौन वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 149 का जो सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हृदय नारायण दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और 51 का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 का जो सही उत्तर है वो हैगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये सुमेलित सही नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से 51 हमारा कंप्लीट हुआ। कल रात में 8 बजे मैंने 51 का हिंदी लाइव कराया था दोस्तों, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने ना देखो प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ पे, या आप चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। और ये 51 का जीके कंप्लीट हो गया, यानी 51 कंप्लीट हो गया है। अब हमारा रात में रात 8 बजे 52 का हिंदी होगा लाइव। दोस्तों आप लोग समय से आ जाए कीजिए। दोस्तों अगर बुक पसंद आई हो तो आप बुक को परचेज करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आकर बुक भी परचेज कर सकते हैं दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताएं कि टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए और कैसी लगी ये बुक दोस्तों। ठीक है, और क्या ये आपके हेल्पफुल है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ दोस्तों। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि एक भी वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए।